आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राम अधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग तीन ताल में एक मुखड़ा सीखेंगे, तो जिसका प्रयोग अधिकतर सोलो वादन में यानी स्वतंत्र वादन में किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं और आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीन ताल में मुखड़ा सीखते हैं। मुखड़े के बोल क्या हैं आप लिख लेंगे। बोल हैं ताके तूना तेट्टे तूना कीना तेट्टे तूना कीना धागे धीना गीना धागे धीना गीना, समझ गए। तो आप गेस करते हैं कि इस बोल को लिख लिए होंगे। तो चलिए इसे बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाना है और साथ में यदि समय मिलेगा तो हम लोग रियाज भी करेंगे इसका, ठीक है, साथ में। तो चलिए सबसे पहले इसे बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाएंगे। ताक सबसे पहले कहाँ बजाएंगे वो देखिए, स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखना है। ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता सब की आवाज आएगी, डग्गे पर ये हो जाएगा के, ता के डग्गे पर बजाएंगे के, ठीक है। ता के तू ना, ये हो जाएगा तू, ये हो जाएगा ना, तू बजाएंगे खुला, तू चाटी पर ना। ताके तू ना तेटे, देखिए कैसे बजाएंगे, तेटे बजाएंगे इस तीनों फिंगर से, ते फर्स्ट फिंगर से ते टे ते टे, ठीक है। ताके तू ना तेटे तू ना, ठीक है। ताके तू ना तेटे तू ना, उसके बाद बजाना है कीना तेटे तू ना कीना, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बजाएंगे कीना, ये हो जाएगा की, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस दोनों को एक साथ बजाएंगे कीना, ठीक है। उसके बाद तेटे ते टे, फिर तू ना, ठीक है, तू ना, फिर की ना, ये हो जाएगा की, हो जाएगा ना, ठीक है। तो सारे बोल को एक साथ बजाएंगे तो हो जाएगा ताके तू ना तेटे तू ना की ना तेटे तू ना की, ठीक है। उसके बाद बजाएंगे धागे धीना गीना, ये देखिए कैसे बजाएंगे, धा चाटी पर ना डग्गे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धा, ठीक है। गे बजाएंगे इस फर्स्ट फिंगर से गे, धागे धी दो पर तीन डग्गे पर घेज, दोनों को एक साथ आघात करेंगे धी चाटी पर ना, धी ना, धागे धी ना गी ना, ये हो जाएगा गी, हो जाएगा ना गी ना, धागे धी ना गी ना धी ना, ठीक है। धागे धी ना गी ना धी ना, फिर गी ना, धागे धी ना गी ना, समझ गया। धागे धी ना गी ना धी ना गी ना धी ना गी ना, यानी धीना गिना जो बजाएंगे वो लगातार तीन बार, लो पर तीन डगे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धी चाटी पर ना, धी ना गी ना, समझ गए दोस्तों। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और तबले से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये बजाना आप सीख गए, देखिए आप सारे बोल को एक साथ कैसे बजाएंगे। ताके तू ना तेटे तू ना कीना तेटे तू ना कीना ताके तू ना कीना 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 ताके तू ना कीना, समझ गए कैसे बजा, ठीक है। ताके ताके तू ना तेटे तू ना कीना तेटे तू ना कीना ताके तू ना कीना तू ना कीना ताके तू ना कीना, ठीक है। फिर ठेका पकड़ लेना है, ठीक है। अब देखिए सोलो वादन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि हम सोलो वादन करते आ रहे हैं, ठीक है, फिर मुखड़ा हम बजा देते हैं, ठीक है।
समझ गए, तो फिर इसी प्रकार से आपको बजाना है। तो ये हो गया आपका तीन ताल मुखरा, ठीक है दोस्तों। आप इसे टुकड़ा भी बजा सकते हैं, इसे टुकड़ा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक हम आपको टुकड़ा बताए हुए थे तीन ताल में, जिनके बोल है धात आप देखिए इसे कैसे बजाएंगे, धा चाटी बना डगे प्रिगेज, दोनों को एक साथ आघात करेंगे धा, ठीक है। ये जाएगा तू, ये जाएगा ना तू, धा तू ना किट तक, धा तू ना किट तक, ठीक है धा तू ना किट तक। उसके बाद ता तेरे किट तक, ता ती र किट तक, ता तेरे किट तक, उसके बाद तेरे किट तक, ता तेरे किट तक, ती र किट तक, ता तीरा किट तक, ठीक है। इसे लगा देना है तीन बार, जैसे तिहाई बजाते हैं ना, ऐसे बजाना है, ठीक है। तेरे किट तक, 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 समझ गया। तो ऐसे बजाना है। अब फिर आपको कोई ठेका लगा करके फिर आपको अलग कायदा पकड़ लेना है, ठीक है। जैसे हम आपको बजा देते हैं, ऐसे आपको बजाना है, समझ गए। तो दोस्तों यदि आपको तबले से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, पूछना हो, ठीक है, तो आप ज़रूर हमें बताएं। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं अब लाइव भी आने लगा हूं, ठीक है, तो लाइव क्लास में भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कई लोगों का कमेंट ये भी आता रहता है कि सर अपना आप चेहरा क्यों नहीं दिखाते, यदि आप हम चेहरा दिखाएंगे तो फिर ये तबला आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो हमें सीखने के लिए तो तबले पर दिखना है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको चेहरा से लेकर चेहरा भी देखना हो और तबला भी देखना हो तो आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ करके और आप जो भी प्रश्न हो आपके मन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका तैयारी कीजिए। और ये हो गया आपका मुखड़ा, आप इसे एक टुकड़ा में भी प्रयोग कर सकते हैं, मुखड़ा में भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैं आपको बजा करके सुना देता हूँ कैसे बजाना है। इस प्रकार से आप लोगों को भी बजाना है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखें, ठीक है। और यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं और आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।